हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा मिश्रा। इससे पहले कि मैं आज का ट्यूटोरियल शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। तो बताइए, आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा था? क्या आप थोड़े से नर्वस थे, अनश्योर थे, कहां जाना है, कैसे शुरू करना है? आई होप आप कहेंगे यस। और ऐसा ही होता है जब कोई ओरिफ्लेम में न्यू ज्वाइन करता है। शुरू के कुछ हफ्ते उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, और यहीं पे ऑनबोर्डिंग जर्नी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर उस इंसान के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है जो ओरिफ्लेम में नया ज्वाइन करते हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑनबोर्डिंग क्यों जरूरी है, इससे किसको बेनिफिट होगा? न्यू स्टार्ट्स को होगा, स्पॉन्सर्स को होगा, मैनेजर्स को होगा या डायरेक्टर्स को होगा? तो मैं कहूंगी ऑफ कोर्स सभी को होगा बेनिफिट। न्यू स्टार्ट्स को, क्योंकि उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है कि कैसे वर्क शुरू करना है। उन्हें टॉप लीडर्स के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। और इसके बाद बारी आती है स्पॉन्सर्स की। सो स्पॉन्सर्स के लिए इसलिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपने न्यू कमर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाते हैं, फॉलो अप कर पाते हैं, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंट न्यू कमर्स मिलते हैं। साथ ही साथ मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सही प्रोसेस को पूरी कम्युनिटी में ड्यूप्लीकेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम बिल्डिंग होती है और उन्हें न्यू लेवल्स, टाइटल्स बहुत तेजी से मिलते हैं, फास्टर ग्रोथ होती है। मैंने जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था उस वक्त ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं था, सो मुझे थोड़ा टाइम लगा सीखने में। और शुरुआत में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। मुझे मेरे सीनियर से ट्रेनिंग्स मिली, उसके जरिए धीरे 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 करके मैंने चीज़ें सीखी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जिसके जरिए आप सही चीज़ें, सही प्रोसेस सीख पाते हैं और अपनी कम्युनिटी में डुप्लीकेट कर पाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप एक एक्सपर्ट हो, आपको सब कुछ पता हो। तो ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एक ऐसा ईजी सिस्टम है जिसे आप ईजिली अपनी कम्युनिटी में डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो जस्ट गो ऑन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करिए। ये आपके समय की भी बचत करता है और एज अ स्पॉन्सर आपके न्यू रोल को स्ट्रेस फ्री बनाता है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको कॉन्फिडेंस देने में, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि जब कोई नया ज्वाइन करता है तो वो हमारे साथ क्यों रुकता है और काम करता है। लोग यहाँ पर आते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंसेस के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, आय के लिए, और साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाने के लिए, व्यक्तित्व के निखार के लिए। लोग आते हैं अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, दोस्ती करने के लिए नए नए लोगों के साथ। लोग आते हैं अपने मान सम्मान के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। और जब इन्हीं चीज़ों में आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो और लंबे समय तक आपके साथ रुकते हैं और काम करते हैं। सो सबसे पहले अपने न्यू कमर को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के में इंट्रोड्यूस करिए, जिससे कि उनको बिजनेस में सही शुरुआत करने में, सही बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प मिल सके। सेकेंडली, उन्हें ट्रेन करना है और उन्हें कोच करना है, जिसके लिए ऑनबोर्डिंग में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको उन्हें फॉलो करते जाना है। साथ ही साथ आपको उनके हर छोटे बड़े अचीवमेंट्स के लिए उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, जिससे उनका आत्मबल और बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने गोल्स को फुलफिल करेंगे, ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रांड पार्टनर्स के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रखें। कोई भी आपके बिजनेस में लंबे समय तक तभी रहता है जब आपकी उसके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है और ट्रस्ट होता है। इसलिए एक अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो अभी तक हमने देखा कि ऑनबोर्डिंग क्यों ज़रूरी है, और अब हम देखेंगे एक्चुअल में ऑनबोर्डिंग क्या है। सो बेसिकली ये बिल्कुल क्लियर एक्शंस हैं जो कि रिजल्ट पर फोकस करते हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं जिनको अमल में लाना और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी में डुप्लीकेट कराना बहुत ईजी होता है। साइन अप के जस्ट बाद उन्हें बिजनेस स्टार्टअप कराइए। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में एक बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है जिसके बारे में आपको बताना है, इंट्रोड्यूस करना है। आफ्टर 48 आवर्स या 2 दिन के बाद
आगे की 6 नई बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज है जो कि उसके बिजनेस को लॉन्च करने के लिए है, उसके बारे में आपको उसे गाइड करना है। एंड जब आपके ब्रांड पार्टनर का पहला ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, तो 2 बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज जो कि है और अनबॉक्सिंग वीडियो को बनाना एंड उसको शेयर करना, वो आप करवाएंगे। आइए देखते हैं कि जब हम किसी न्यू कमर को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले 72 आवर्स में हम कौन से इंपॉर्टेंट एक्शंस लेते हैं। सबसे पहले शुरू के 12 घंटे के बाद आप अपनी एक एक्टिविटी रिपोर्ट जरूर डाउनलोड करेंगे, जिसके जरिए आप देखेंगे कि आपके पर्सनल ग्रुप में कितने न्यू कमर्स हैं। फिर आप उन्हें वेलकम करेंगे, उनके साथ एंगेज करेंगे, बात करेंगे और उनसे पूछेंगे अगर उनकी कोई क्वेरी हो। इसके साथ ही साथ आपकी जो भी ब्यूटी मीटिंग्स है या आपके सीनियर्स की कोई ब्यूटी मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स है, उसके लिए उन्हें इन्वाइट कर लेंगे। अब हम उन्हें साथ के साथ सोशल ग्रुप्स में और सोशल चैट्स में अपने ग्रुप्स में उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। सो 24 आवर्स के बाद हम देखेंगे कि उन्होंने अपना मोटिवेशन, अपना वाई पहचाना है कि नहीं, और शॉर्ट स्टोरी वाला अपना स्टेप कंप्लीट किया है या नहीं। देन हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली और हम उन्हें हेल्प करेंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड करते जाना है। इसके साथ ही साथ हम उन्हें हेल्प करेंगे फर्स्ट 5 कॉन्टैक्ट्स ढूंढने में जिनके साथ वो अपनी शॉर्ट स्टोरी शेयर करने वाले हैं। आफ्टर 48 आवर्स हमें चेक करना है कि क्या उनका पहला ऑर्डर प्लेस हो गया है और क्या उन्होंने प्लेंटी प्रोग्राम अचीव कर लिया है, हमें उसके बारे में उन्हें समझाना है। एंड देन 72 आवर्स के बाद हमें उनसे कनेक्ट करना है, उन्हें कोर टीम के बारे में बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है और उन्हें मोटिवेट करना है उसका हिस्सा बनने के लिए और उसके बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही साथ हमें चेक करना है कि क्या उनका ऑर्डर रिसीव हो गया है और उन्होंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और अब हम उन्हें प्रोडक्ट स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे और उन्हें हेल्प करेंगे कि वो कैसे बेहतर प्रोडक्ट स्टोरी वीडियो बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, नाउ वन इम्पॉर्टेंट टिप, आप अपना सपोर्ट सिस्टम यूज़ करिए और आप अपने मैनेजर्स या डायरेक्टर्स से हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ अपने न्यू कमर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर बिजनेस में आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जिनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जो आपके न्यू कमर से बात करना पसंद करेंगे, आप उनसे अपने न्यू ब्रांड पार्टनर की बात करवा सकते हैं, राइट? सो आइए देखते हैं 2 ब्रांड पार्टनर्स, दिव्या और शिवानी, जिन्होंने बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक साथ जुलाई 2021 में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया। सो क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में रहा? दिव्या ने अपना 90 डेज ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया, जबकि शिवानी ने नहीं किया। सो अब देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में जब 90 डेज ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम दिव्या का कंप्लीट हुआ तो क्या रिजल्ट आया। सो फर्स्ट 90 डेज में दिव्या अपने प्लेंटी प्रोग्राम्स पूरे कर पाई और उसने अपने पर्सनल 500 पॉइंट्स बनाए। साथ ही साथ दिव्या ने 10 ई लर्निंग कोर्सेज कंप्लीट किए प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में, एंड इसके साथ उन्होंने अपने एक ऑनलाइन ब्यूटी ग्रुप बनाया 200 लोगों का। अपने लीडर के इवेंट्स में उन्होंने अपने लोगों को इनवाइट किया और 20 लोगों को इस दौरान उसने ज्वाइन कराया, रिक्रूट किया, जिसकी वजह से 90 डेज में ही उसने अपना 12% मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। इसके साथ ही साथ वो नो वेज सेट्स को सक्सेसफुली रिकमेंड कर पाई, सेल कर पाई अपनी प्रोडक्ट स्टोरी के बेसिस पर, और ये सब करने से वो अपने लीडर की कोर टीम का हिस्सा बन पाई, जिसकी वजह से उसे शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में नॉलेज मिली और वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इसी की जगह शिवानी ने पहले महीने में 100 पॉइंट करके अपना प्लेंटी प्रोग्राम तो क्वालिफाई किया एंड अपने साथ 3 रिक्रूट्स कराए, जिसकी वजह से उनका 3% का लेवल हुआ, बट उन्हें प्रोडक्ट को रिकमेंड करना और अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करना सही तरीके से नहीं आया, ना ही वो अपना खुद का मोटिवेशन, अपना गोल आइडेंटिफाई कर पाई और ना ही किसी कोर टीम का हिस्सा बनी। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, अगर आप अपने न्यू कमर्स के साथ ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम को नहीं रन करते हैं, नहीं प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहला, हमारे साथ बिजनेस में बहुत सारे ऐसे नए लोग आते हैं जो वाकई में टैलेंटेड होते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सही प्रोसेस ना पता होने की वजह से, सही शुरुआत ना होने की वजह से हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, हम उन्हें आगे ग्रोथ नहीं दिलवा पाते हैं। साथ ही साथ सही तरह से कोच ना करने की वजह से, फॉलो अप ना करने की वजह से हमारा खुद का भी इम्प्रेशन खराब होता है और ब्रांड का इम्प्रेशन भी खराब हो जाता है।
एंड इसके साथ साथ अगर आप उन्हें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में नहीं लाते हो तो इससे कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं आएगी और आप काम करते रहेंगे बट आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। याद रखिए, सही तरह से ट्रेन ना करने की वजह से आपके न्यू कमर्स का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होता है, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं होता है, वो निग्लेक्टेड फील करते हैं, इसके साथ ही साथ उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कम्युनिटी में ऑनबोर्डिंग का कल्चर क्रिएट करें और अपनी कम्युनिटी में देखें जितने भी न्यू स्पॉन्सर्स हैं वो सब भी आपके एफर्ट्स को ड्यूप्लीकेट करें। हमेशा ध्यान रखिए, हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, सो हम लोगों की केयर करते हैं, इस बात को आपको हमेशा जाहिर करना चाहिए। सिर्फ बिजनेस के लिए हमेशा कॉल मत करिए, पर्सनली कॉल करिए कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए, बॉन्ड बनाइए अपने लोगों के साथ। हमेशा अपने पर्सनल ग्रुप के लोगों को मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए, जो अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो एक अच्छे स्पॉन्सर की हैबिट्स हैं वो सब अपनी पर्सनल ग्रुप के लोगों को सिखाइए। एक बेटर कम्युनिटी बिल्ड करने में ये आपकी मदद करेगा। सो अगर आप एक न्यू ब्रांड पार्टनर हैं, न्यू स्पॉन्सर हैं, मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, हर लेवल पर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक नए ब्रांड पार्टनर को फर्स्ट 90 डेज में। सो ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम एक डिजिटल टूल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स देता है, जिससे कि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पूरी कम्युनिटी को, अपने न्यू ब्रांड पार्टनर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आगे बढ़िए, बिजनेस की स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के साथ।